हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। यहां पर देख सकते हैं कुछ नेम लिखे हुए हैं और यहां पर सब्जेक्ट 1, 2 और 3 लिखा हुआ है। अब हमें एक ही मार्क्स देना है यहां पर, यहां पर, यहां पर। ये देखिए, मैं इसे एक अलग कलर में कलर कर देता हूं, आपको पता चलता रहेगा कि यहां पर हमें अलग से एक ही मार्क्स देना है, मतलब कि नंबर एक ही होगा, ठीक है। तो ये मैंने इसे कलर प्रोवाइड कर दिया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहां पर क्लिक करना है और कंट्रोल बटन प्रेस कर लेना है कीबोर्ड से। उसके बाद कंट्रोल बटन प्रेस करते ही हमें इन सारे सेल को सेलेक्ट कर लेना है। अब सपोज कीजिए यहां पर हमें इन्हें देना है 34 मार्क्स, तो यहां 34 लिखिए और वापस से कंट्रोल प्रेस कर लीजिए और उसके बाद आपको प्रेस करना है एंटर। देखा आपने, जैसे ही मैंने कंट्रोल और एंटर प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली सारे सेल्स में एक ही नंबर फिल करके हमें दे दिया, ठीक है। तो ये बड़ी ही अच्छी टेक्निक है, इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।